हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत रिक्वेस्टेड। एक अरसे से लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो आई थॉट के मैं सोच रही थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड एक और चीज़ ये कि बिकॉज दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू स्किन केयर, आई वॉन्ट टू गिव आउट दिस डिस्क्लेमर राइट नाउ राइट हियर दैट एनीथिंग दैट वर्क्स आउट फॉर मी इट डज़ नॉट हैव टू वर्क आउट फॉर यू। हर किसी की स्किन फर्क होती है। मैं आपसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा रूटीन शेयर करूंगी कि क्या रूटीन है, किस तरह से मैं प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, इनके क्या बेनिफिट्स मुझे नजर आए हैं, व्हाट डू आई फील अबाउट देम, व्हाट डू आई नो अबाउट देम। सबसे पहली बात ये, मैं बिल्कुल भी कोई स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को कहती हूँ ना मैं हूँ। एक स्किन एक्सपर्ट होने के लिए इंसान के पास बहुत सारा दिमाग चाहिए होता है, जो कि मेरे अंदर थोड़ा सा कम है, तो मैं कभी बन भी नहीं सकती और मैं बिल्कुल भी सर्टिफाइड नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। मतलब ये मैं सिर्फ अपनी डेली लाइफ का आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इन प्रोडक्ट्स के साथ मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ क्या नहीं हुआ। आई वॉज सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे मांग रहे थे इसका रिव्यू, तो मुझे जो है नहीं आइडिया हो पा रहा था कि कहाँ से मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो लकीली दे कॉन्टैक्टेड मी themselves एंड दे वॉन्टेड मी टू रिव्यू देयर प्रोडक्ट्स ऑनेस्टली। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ मेरी जो लिस्ट में होती है वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं। इफ़ आई लाइक द प्रोडक्ट और आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, बट मैं कहती वही हूँ जो मैं फील करती हूँ। मेरे बाल जगह से हिल रहे हैं। एनीवेज, सो दे कॉन्टैक्टेड मी, दे सेंट मी अ PR। स्किन केयर प्रोडक्ट्स एकदम से रिव्यू कर देना, सिर्फ फेशियल किट्स को आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपको इंस्टेंटली क्या रिजल्ट नजर आया उससे, लेकिन ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनको रिव्यू करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ताकि आप यूज़ करके देखें कि आपको एक्चुअली कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, स्पेशली विद लोकल ब्रांड्स। तो आई गॉट दीज प्रोडक्ट्स एंड आई यूज देम फॉर अ गुड वाइल एंड आई रियली नीड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज इट वॉज वेरी मच requested and I really wanted to review these. So without any further talking, let's just jump right into the video. Okay, तो वीडियो के टाइटल से तो आपको पता ही होगा कि मैं डॉक्टर रेशल के वाइटामिन सी रेंज के बारे में बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, और this is all over the internet and I was like, so many people were using it, they were raving about it. I was like, I need to try this out. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये है वाइटामिन सी रेंज, इनकी ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स हैं, इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मुझे इससे कैसे फ़ायदा या क्या हुआ। तो वाइटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो मैं उससे बहुत डरती हूँ, मुझे पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी दुनिया में लोग वाइटामिन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जिक्र करती हूँ एक दी ऑर्डिनरी का, नाइसिनमाइड एंड जिंक का। नाइसिनमाइड मैं बहुत जो है रेगुलरली यूज़ करने वालों में से हूँ, और नाइसिनमाइड और विटामिन सी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो जब आप नाइसिनमाइड कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होते हैं, सो आपको उसके साथ विटामिन सी के प्रोडक्ट्स का कांटेक्ट नहीं करवाना है, क्योंकि आपकी स्किन उससे तबाह बर्बाद हो सकती है। ठीक है, ये एक्सपर्ट्स की राय है, इसलिए मैं रिस्क भी नहीं ले सकती कभी इसके ऊपर। जब मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से पूछा है इसके बारे में, सो दे ऑलवेज से दैट नाइसिनमाइड एंड विटामिन सी आर नॉट टू बी यूज टुगेदर। तो मैं नाइसिनमाइड यूज़ करती थी अपने पोर्स के लिए और एक्ने के लिए, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने के लिए वो छोड़ना पड़ा, वो मैंने छोड़ दिया। और जब मैंने ये ट्राई आउट किया, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज विटामिन सी से मैं जितना डरती थी, मुझे उससे उतना ही फायदा हुआ है। विटामिन सी यूज़ करके जो मुझे पता है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बताना चाहूँगी, विटामिन सी के प्रोडक्ट्स या विटामिन सी सीरम्स या इस तरह की चीज़ यूज़ करके यू शुड नेवर गो आउट इन द सन, यू शुड ऑलवेज यूज़ अ सन ब्लॉक। और आपको हमेशा बहुत आपकी, क्योंकि स्किन बेसिकली विटामिन सी से जो मुझे हुआ फील, आपकी स्किन नेचुरली पील होती है, नेचुरली एक्सफोलिएट होती है, और स्किन डे बाय डे जो रफनेस है स्किन की वो हटती चली जाती है एंड इट मेक्स योर स्किन अ लिटिल ड्राई। सो विटामिन सी इज इट फॉर इन, मतलब मेरी समझ के मुताबिक विटामिन सी, और जितनी मैंने रिसर्च थोड़ी बहुत की है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी मुंह उठा के आ गई हूँ, विटामिन सी इज गुड, इट इज ग्रेट फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन। फॉर ड्राई स्किन पीपल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट रेगुलरली, यू शुड आपके यूज के बीच में गैप्स होने चाहिए ताकि आपकी स्किन ओवरली ड्राई आउट ना हो। ओके गाइज, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द डॉक्टर रेशल का विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेशियल क्लेंजर, विच कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड, विच इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ठीक है, और मैं इसको अब काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इट इज़ अ फोमिंग क्लेंजर, ये फोम करता है आपके फेस पे, यू जस्ट नीड अ टाइनी अमाउंट ऑफ इट एंड इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे जो है मसाज करती हूँ
I use this product regularly क्योंकि मतलब दिन में एक दफ़ा मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ एंड आई जस्ट मसाज इट इन टू द स्किन. अच्छा, इससे मेरी स्किन ब्राइट भी हो जाती है और अभी जब मेरे पास पानी नहीं है, अगर मैं पानी से इसको करूँगी तो फिर और अच्छी मेरी स्किन हो जाएगी, मतलब अच्छे से ये लादर करेगा, अच्छे से फोम बनेगा. तो मैं पानी थोड़ा सा लेके फिर आती हूँ, फिर बीच में मसाज करते करते बीच में मैं आपको इसके सारे प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी. ओके, सो जब आप इसको पानी लेके इसको मसाज करेंगे अच्छे से स्किन में, इट विल क्लीन आउट ऑल इम्प्योरिटीज़ और क्योंकि इसमें विटामिन सी है सो इट विल हेल्प और स्पेशली नेक पे, क्योंकि हमारे नेक जो है वो ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, सो नेक पे भी आपको इसको अप्लाई करना है. और जब आप इसको बेसन के पास, सिंक के पास खड़े होकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये लादर अप होगा, क्योंकि आप वाटर लेते रहेंगे दैन यू विल बी अप्लाइंग इट ऑल ओवर योर फेस. इट इंस्टेंटली ब्राइटन्स माई स्किन. आई जस्ट गो एंड वॉश इट, आई शो यू गाइज द डिफरेंस. ओके, सो मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है एंड आई हैव टू टेल यू गाइस वन थिंग कि हमेशा पेपर टॉवल्स यूज करें अपने फेस को क्या कहते हैं ड्राई करने के लिए. कभी भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ना करें, सॉरी कभी भी टॉवल का इस्तेमाल ना करें, टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जो है वो कभी भी उसकी वजह से कभी भी रफ नहीं होगी, हाइजीन इशूज नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं. सो जो ये क्लेंजर मैंने यूज़ किया अपने फेस पे, इससे आपका सारा मेकअप भी निकल जाता है, सारी डर्ट निकल जाती है एंड एज यू कैन सी दैट माई फेस इज़ लुकिंग इंस्टेंटली ब्राइट. अच्छा, एंटी एजिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि पिगमेंटेशन और सब चीज़ों के साथ वर्क करता है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने फ्रेशली अपना फेस शेव किया हो तो अक्सर छोटे छोटे कट्स पड़ जाया करते हैं, तब आपने वाइटामिन सी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपकी स्किन के अंदर कट्स पड़ जाते हैं, वाइटामिन सी इज़ अ वेरी हार्ड इंग्रीडियंट. तो थोड़ा सा तब आप एहतियात करें. और बाकी ये क्लेंजर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई सिर्फ नुकसान नहीं हुआ है, मैं ये नोट कर रही हूँ बल्कि कि मेरी स्किन काफ़ी ब्राइट हुई है. और मज़े की बात यह है कि मेरे यहाँ पे जो पिगमेंटेशन थी और यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है इसकी वजह से. नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सिरम, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, मैं इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पता इसको और लोग कैसे यूज़ करते होंगे. क्लेंजर के बाद मैं हमेशा फेस को ड्राई करके एक सीरम अप्लाई करती हूँ और सीरम भी डॉक्टर रेशल का विटामिन सी ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेस सीरम है. दिस आल्सो कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को जो है वो एक प्रॉपर जो है वो उसमें रखता है, बैलेंस में रखता है. या सो ये ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग है. अच्छा, ये सीरम जो है इसकी सबसे बड़ी मजे की बात ये है, इट्स लाइक अ लिटिल ऑरेंज, सो आई डोंट नो, आई जस्ट फाइंड इट एंड इट स्मेल्स लाइक मतलब प्योर ऑरेंज के जैसा स्मेल करता है, सो इट्स रियल नाइस. अच्छा, मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ, आई जस्ट अप्लाई. अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके स्कार्स हैं तो आप स्कार्स के लिए भी जो है वो हमेशा विटामिन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी बिकॉज इट इज़ ब्राइटनिंग, सो आपके स्कारिंग में, पिगमेंटेशन में, डबल स्किन टोन में, सब चीज़ों में हेल्प आउट करेगा. सो मैं इस तरह से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ अच्छे से. और आपने एक के बाद एक प्रोडक्ट एक साथ लेयर अप कभी भी नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अ वाइल ताकि वो प्रोडक्ट आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए. और सीरम लगाने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यह है कि आपने पहले उसको अप्लाई किया अच्छे से एंड देन आप उसको इस तरह से टैप करेंगे. ये सीरम बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं है एंड इट विल, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरी स्किन रेड हो गई है बिकॉज आई एम जस्ट पुशिंग इट इनटू माय स्किन एंड ये आपकी स्किन को जो है ना वो एक्सफोलिएट करता है नेचुरली. और अभी मुझे स्किन पे कुछ फील भी नहीं हो रहा. यू कैन ऑल्सो यूज इट बिफोर मेकअप, लेकिन मैं एक सनस्क्रीन भी रेकमेंड करूंगी कि आप इसके बाद एक सनस्क्रीन भी अप्लाई करें ताकि आप डायरेक्टली सन में सीरम के साथ ना चले जाएं. सो नाउ एज यू कैन सी, नो ग्रीसीनेस, नो ऑयलीनेस, यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन गो टू स्लीप. मैं अक्सर ये रूटीन या तो रात को फॉलो करती हूँ या सुबह फॉलो करती हूँ. दिन में दो दफ़ा नहीं, दिन में एक दफ़ा ये रूटीन फॉलो करती हूँ सिर्फ. तो ये जब सीरम आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी मैं वो आपको दिखाती हूँ. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं इसके बाद हमेशा यूज़ करती हूँ वो है ये मैं आपको बॉक्स भी इसका दिखा देती हूँ, विटामिन सी फेस क्रीम. दिस ऑल्सो कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है एज यू कैन सी. और पैकेजिंग इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है विच इज़ ग्रेट. और इस तरह का मॉइस्चराइजर है. आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ओवर हियर, अ लिटिल बिट ओवर हियर. इट इज़ मॉइस्चराइजिंग बट अगेन ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड वन थिंग विच इज़ ग्रेट अबाउट इट इज़ कि इट्स नॉट ग्रीसी एट ऑल. सो यू कैन यूज़ इट बिफोर मेकअप इज़ वेल,
to moisturize your skin. It just leaves the skin super smooth, super soft. और जब आप लोग ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे आपको आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही स्मूथ आउट होती हुई नजर आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंटल एक्सफोलिएशन जो ये आपकी स्किन को देता है एंड इट विल ब्राइटन अप योर स्किन रियली रियली. मतलब मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ. मैंने अपनी इंस्टाग्राम की इन स्टोरीज पर भी बात की थी इसके बारे में कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज दे हैव वर्कड आउट अमेजिंगली फॉर मी. तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस में एब्जॉर्ब नहीं करती, मेरी आदत है. मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा सा ग्लो भी आता रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा. जैसे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में तो इसके बाद हम इसका लास्ट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ. ओके, तो जो लास्ट प्रोडक्ट है इस रेंज का वो है इनका आई सीरम एंड इट कम्स इन अ बॉटल जस्ट लाइक द फेस सीरम. लेकिन इसकी बॉटल थोड़ी छोटी होती है क्योंकि आई सीरम आपको बहुत थोड़ा सा ही चाहिए होता है. अब मैं आपको बताती हूँ कि आई सीरम मैं किस तरह अप्लाई करती हूँ. मैं इसके दो ड्रॉप्स अपने हैंड पे ले लेती हूँ पीछे एंड व्हाट आई डू इज कि मैं इसको अपनी रिंग फिंगर से ऐसे लेके एंड आई जस्ट अप्लाई इट अंडरनीथ माई आईज लाइक सो एंड आई जस्ट मसाज इट इस तरीके से. क्योंकि रिंग फिंगर पे सबसे कम प्रेशर होता है तो अपने आई एरिया पे हमेशा आपको रिंग फिंगर ही यूज करनी चाहिए. मेक श्योर कि आपकी आंखों के अंदर ना जाएगी मगर इस तरह से सर्कुलर मोशंस में एंड टू ड्रॉप्स आर मोर देन इनफ यू गाइस. आई मीन दिस इज ग्रेट एंड इट कम्स इन अ ड्रॉपर तो ये बहुत हाइजीनिक वे है यूज करने का इसको क्योंकि ये ड्रॉपर में आता है तो आपकी फिंगर इसके अंदर नहीं जाएगी कभी भी. तो आपकी प्रोडक्ट हाइजीनिक रहेगी हमेशा एंड इट एब्जॉर्ब्स इनटू द स्किन एंड यू विल फील कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है एंड इट इज वर्किंग आउट. ओके गाइस, सो आई शिफ्टेड माई कैमरा. सन ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, मैं खिड़की के पास खड़ी हुई हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि मेरी स्किन पे जो ग्लो है वो आप देख सकते हैं एंड आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो मेरी स्किन पे इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है. स्कार्स, पिगमेंटेशन, सब चीज़ें मेरी बहुत इंप्रूव हुई हुई हैं एंड आई रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स 110%. एंड आई ऑल्सो हैव अ डील फॉर यू गाइज. वो डील ये है कि मैं जो हूँ मैंने इनको कंपेरिजन में यूज़ किया है एक बहुत हाई एंड ब्रांड के कंपेरिजन में एंड आई नीड टू टेल यू गाइज समथिंग. ओके, तो अगर आप जानते हैं ओले हेंड्रिक्सन के बारे में, ओले हेंड्रिक्सन एक ब्रांड है जो कि अभी बहुत ज़्यादा आजकल इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलता है. सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स सब यूज़ कर रहे हैं ये ब्रांड एंड मैंने इनके मिनीज बाय किए थे. मैंने ये काफ़ी टाइम तक यूज़ किए एंड यू गाइज दिस इज द कम्प्लीट फॉर मी दिस इज द कम्प्लीट ड्यूप फॉर दिस. आई मीन आई हैव टू से दिस कि इसकी आई क्रीम बहुत अच्छी है. इसकी आई क्रीम और इसकी इनका जो आई सीरम है उसकी कंसिस्टेंसी फ़र्क है लेकिन दे वर्क द सेम वे. आई नो आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ बैशिंग आफ्टर दिस बट ट्रस्ट मी यू गाइज दीज प्रोडक्ट्स आर सो चीपर देन दीज प्रोडक्ट्स. ये तीन चीज़ें इतनी छोटी छोटी सी आपको 6,000-7,000 तक की मिलती हैं. ये प्रोडक्ट्स इससे काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं. ट्रस्ट मी यू गाइज दीज प्रोडक्ट्स वर्क अमेजिंगली. गाइज शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. कहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स अच्छे से खरीद सकते हैं वो मैं नीचे सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बहुत टाइम से मुझे स्किन केयर पर क्वेश्चन आ रहे थे. दीज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई वॉज यूजिंग कंटिन्यूसली एंड आई लव 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 दीज प्रोडक्ट्स एंड दे विल लास्ट यू अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम क्योंकि ये बहुत सारी क्वान्टिटी है इनकी. एंड कहाँ से आप बाय कर सकते हैं ओरिजिनल डॉक्टर रेशल के प्रोडक्ट्स? बहुत सारे लोग सेल आउट कर रहे हैं एंड पता भी नहीं है कि सही बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं. सो यू कैन बाय ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. नीचे मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से बाय कर सकते हैं एंड आई एब्सोल्युटली लव दीज प्रोडक्ट्स. 110% रिकमेंडेड. आपको यूज करके दिखाया, यू कैन सी द डिफरेंस इन माई स्किन. इट इज ग्लोइंग. जब इसके ऊपर मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ तो एक अलग ही किस्म का ग्लो आता है. कभी कभी ये रूटीन मैं मेकअप से पहले भी यूज कर लेती हूँ, सीरम्स और मॉइस्चराइजर स्पेशली. आई लव द मॉइस्चराइजर, इट इज सो गुड. अगर मुझसे आप कहें मैं इसमें से दो अपनी फेवरेट चीज़ें पिक करूं, फेस सीरम एंड मॉइस्चराइजर मतलब लाजमी फेवरेट है. लेकिन जाहिर है जब आप एक रूटीन फॉलो करते हैं तो उसका अलग आपको रिजल्ट नजर आता है. सो दिस इज व्हाट माय स्किन लुक्स लाइक एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. सो यू कैन बाय इट. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूंगी एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. इफ यू डिड गिव इट अ थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल बिफोर यू लीव. बाय.